हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड स्प्रिंग रोल। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आप भी ऐसे वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रेड स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 7 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने उबाल कर छिलके उतार कर लिए हैं, और इसको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है आलू को, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटे हुए छोटा सा प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और दो हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच मिक्स मसाला, और 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच चाट मसाला, और अब हम साथ में ही डाल रहे हैं नमक। तो आधा चम्मच नमक है, तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे हाथ से, अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये कहीं मसाला ज़्यादा या कम ना हो। तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आलू हमारा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ब्रेड के जो साइड साइड ब्राउन कलर के होते हैं उसको मैंने काट लिया है अच्छे तरीके से, और ये जो ब्राउन कलर का जो था ब्रेड के साइड साइड में, इसको हम जार में थोड़ा एक दो बार पीस लेंगे, ज्यादा इसे हम इसको पाउडर नहीं करेंगे। ब्रेड के जो साइड साइड ब्राउन कलर के थे उसको मिक्सी में मैंने पीस कर इस तरीके से पीस लिया है, ज्यादा हम इसको पेस्ट नहीं बनाए हैं। और इधर मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच मैदा, और इसमें हम पानी डालेंगे। तो इसमें हम छोटे गिलास से आधा गिलास अभी पानी डाले हैं, और इसको हम पतला मतलब पेस्ट बनाएंगे, ज्यादा इसे हम मोटा या गाढ़ा नहीं बनाएंगे, पतला ही बनाएंगे इसको। तो आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, न ज्यादा गाढ़ा है न ज्यादा पतला है, मीडियम में है। तो आलू को हम ऐसे रोल जैसे शेप में तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हम सब तैयार कर लेते हैं जितना हमें बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आलू को बना लिया है रोल के शेप में, और अब हम ब्रेड को ले रहे हैं। ब्रेड पे हम हल्का ऐसे प्रेस करेंगे, और इसमें हम आलू को डाल देंगे, और आप इसके साइड में पानी के सहायता से या मैदा के सहायता से चारों तरफ से हम कर देंगे ताकि आलू इधर उधर से निकले ना। Thank you.
और इसी तरीके से हम सब तैयार करके रख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सब ब्रेड को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम कढ़ाई को गरम करके इसमें मैंने तेल डाल दिया है और हम तेल को गरम कर रहे हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है और अब हम ब्रेड को लेंगे और जो मैंने यहाँ पे मैदे का बनाया था उसमें हम दो तीन बार डुबो देंगे। इसे हम मीडियम आंच पे ही रखेंगे ताकि जले ना। तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सब बना लेंगे।